ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और दुनिया में अपना झंडा लहराया। एक बार फिर टीम इंडिया के पास मौका है पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने का, लेकिन इस बार ये टीम इंडिया हॉकी की है। ओलंपिक के सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं, मंगलवार को ये सेमीफाइनल खेला जाएगा और जर्मनी से हमारा मैच होगा। लेकिन उसके जल्दी आप हमारे साथ कुछ प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स भी टीम इंडिया के लिए चीयर्स कर रहे हैं। हालांकि ये प्लेयर्स क्रिकेट के हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि इस बार गेम कौन सा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो भी टीम इंडिया है, जिसके लिए तमाम जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और उनसे ही हम बात करते हैं। कल सेमीफाइनल है, ओलंपिक का मैच है, किस तरह से आप देखने वाले हो और कितना चीयर्स कर रहे हो टीम इंडिया को? टीम इंडिया को मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। अभी तक जो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में परफॉर्म करा है, उनका एंटिसिपेशन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बार बहुत अच्छा अवसर है हमारी हॉकी टीम के पास गोल्ड जीतने का, तो मैं चाहूँ सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा भारतीय हॉकी टीम को, बस हम गोल्ड जीतें, अपना भारतीय झंडा लहराएं हर जगह, ओलंपिक्स में विजेता बने। धन्यवाद। कहते हैं कि टीम जिस तरह से आगे बढ़ती है, एक के बाद एक मैचेस को जीतना, मोराल क्या बहुत हाई होता है इस तरह में? इसमें मोराल बहुत हाई होता है और हमें टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो भारतीय टीम है हमारी और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है वो हम सबके लिए अच्छी बात है। मैच दर मैच जैसे आगे बढ़ता है तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं, सब चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम हरा के आए, अभी 52 साल बाद हमने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऐसे में टीम का जो स्पिरिट होगा इसमें कितना हाई होगा? वो टीम स्पिरिट काफ़ी हाई होगी क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये इतना अच्छा कारनामा हुआ है टीम इंडिया के लिए, अब सेमीफाइनल खेलेगी तो टीम स्पिरिट तो बहुत हाई रहेगी और अपना सब खेलेंगे अच्छे से। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार है, 72 सालों बाद लगातार दूसरी बार है जब आप ओलंपिक के सेमीज में पहुँचे हैं, तो पिछला सेमीफाइनल भले ही मतलब फाइनल नहीं आया लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि होप ज़्यादा है? हाँ, होप्स बिल्कुल है, हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया फाइनल जीतेगी इस बार और गोल्ड लाएगी। टीम के जो हमारे गोलकीपर हैं, कई मैचेस हम उनकी वजह से ही जीते हैं, लास्ट ओलंपिक है उनका, क्या मैसेज किसी प्लेयर के लिए जब लास्ट मैच होता है तो उसके लिए वो मैच जीतना, वो सीरीज जीतना है, वो ओलंपिक जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत टाइम से खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लास्ट है तो चाहेंगे कि गोल्ड जीत के जाएं और जैसे वो कर रहे हैं इसमें उनकी वजह से ही ज़्यादातर वॉल ऑफ इंडिया है इस तरह, अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे तो गोल्ड भी आएगा और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस टाइम गोल्ड जीतना उनके लिए तो बहुत सही रहेगा। मैच देखने वाले हैं हम लोग? हाँ, मैच देख रहे हैं ना? बिल्कुल हाँ। कैसे एंजॉयमेंट कैसे होगा, जीत गए गोल्ड आ गया तो? अच्छा सेलिब्रेशन होगा पूरे देश में, जैसे इतने सालों बाद फाइनल में पहुँच रहे हैं तो ठीक है। तमाम प्लेयर्स हैं और चेयर्स तो आप लोग करते ही रहिए और बड़ी बात यही कि लगभग 72 सालों बाद दूसरी बार लगातार ओलंपिक के सेमीज में हम पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है टीम इंडिया जिस तरह से इस बार खेली है वो दिख रहा है कि टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है और अगर यही फॉर्म जारी रहा तो ज़रूर इस बार ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड आ रहा है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप्ट।